हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फेसबुक आईडी कैसे बनाएं। जैसे कि आप एक न्यू फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में आपको 2024 का नया तरीका दिखाने वाला हूं। आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर एक नया फेसबुक अकाउंट बना सकते हो, अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। कैसे करोगे पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखना और वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना और ध्यान समझना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिलता है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सबको लाइव सीख लेते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना, मुझे अपना फेसबुक का एक नया अकाउंट बनाना है, फेसबुक की एक नई आईडी बनानी है। कैसे बनाओगे पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फेसबुक ऐप को ओपन कर लिया। अब आपके सामने ये इंटरफेस आ गया, जब भी आप फेसबुक को फर्स्ट टाइम पर ओपन करोगे। अब आपको एक नई आईडी बनानी, फेसबुक का एक नया अकाउंट बनाना है। कैसे बनाओगे मैं हर एक स्टेप को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अब आपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लिया, अब आपको इन दोनों बॉक्स को खाली छोड़ देना, इनका कोई काम नहीं है क्योंकि आपको एक नई आईडी बनानी है। उसके लिए आपको नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू अकाउंट। ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट, सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आ गया, देखो ज्वाइन फेसबुक। यहाँ से आपकी फेसबुक की आईडी बनाने की शुरुआत होगी, तो वीडियो को ध्यान समझना। अब आपके सामने ये पेज आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ गया ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, व्हाट्स योर नेम। अब देखो आप फेसबुक की जो नई आईडी बनाना चाहते हो आप किस नाम से बना रहे हो, उसका आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है, लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है जिस नाम से आप फेसबुक की आईडी बनाना चाहते हो। तो मैं डेमो के लिए अकाउंट बना रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे कोई एक नाम डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया आकाश और लास्ट नेम मैंने कुमार डाल दिया। मैं आकाश कुमार के नाम से फेसबुक की आईडी बनाना चाहता हूँ डेमो के लिए, तो मैंने इस प्रकार से अपना नाम डाल दिया। ऐसे ही आपको अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आप फेसबुक पर अपनी क्या डेट ऑफ बर्थ रखना चाहते हो वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देनी है, और अगर आप चाहें तो आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी, कैसे डालोगे सबसे पहले आपको मंथ डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट डालनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन है ईयर डालनी है, कौन से ईयर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि मैं रैंडम यहाँ पर कोई भी डाल दिया, इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपने हिसाब से। उसके बाद आपको सेट पर क्लिक करना है, जैसे आप सेट पर क्लिक करोगे अब आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपको थोड़ा सा वेट करोगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, व्हाट्स योर जेंडर। आप फेसबुक आईडी किसके लिए बना रहे हो, मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है किसके लिए आप बनाना चाहते हो। मैं फिलहाल मेल के लिए बना, तो मैंने इस मेल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया, इस प्रकार से आपको कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, व्हाट्स योर मोबाइल नंबर। आप फेसबुक अकाउंट बना रहे हो, किस मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, जिसमें मोबाइल नंबर से आप नई आईडी बनाना चाहते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना नहीं चाहते, ईमेल आईडी से अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइन अप विद ईमेल, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप ईमेल आईडी से भी अपना अकाउंट बना सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं तो मोबाइल नंबर का यूज करूंगा, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, तो उस प्रकार से आपको अपना नंबर डाल देना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आया, क्रिएट ए पासवर्ड। अब आपको फेसबुक का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है अपनी फेसबुक आईडी का, किसके लिए, जैसे कि मान लेते हैं आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल अगर रिस्टोर हो जाता है तो आप फिर से अपनी पुरानी आईडी को ओपन करोगे तो आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, यही वाला पासवर्ड होगा जो कि आप यहाँ पर बनाओगे। तो आपको सोच समझकर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना देना है, तो मैं अपना यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना एक पासवर्ड डाल दिया, उस प्रकार से आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, इस पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपके सामने आ गया, देख सकते हैं इस तरीके से सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको सेव करना चाहते हो अपने मोबाइल तो आप कर सकते हो, इससे ये फायदा रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको फिलहाल सेव कर लेना है। मैंने सेव कर लिया, अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आया, एग्री
रिलेटेड टू फेसबुक टर्म एंड पॉलिसीज, तो उनको आप रीड कर सकते हो और आप करना चाहे तो। उसके बाद सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करोगे, अब आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो दोस्तों अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ट्रू नॉन कॉन्टैक्ट अपलोडिंग कंप्लीट योर प्रोफाइल। इसका मतलब ये होगा कि आपके मोबाइल में जितने सारे कॉन्टैक्ट हैं, अगर आप उनको फेसबुक पर सर्च करना चाहते हो, फेसबुक किस आईडी से चलाते हैं, उनको आप फाइंड करना चाहते हो, तो आप टर्न ऑन कर सकते हो या फिर आप स्किप कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको नोट नाउ कर देता हूं, मैंने इस तरीके से कर दिया। तो दोस्तों अब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं मेरी आप फेसबुक आईडी सक्सेसफुली बन चुकी है। यहां पर मेरा नाम आ चुका आकाश कुमार। सो इस प्रकार से आपकी आईडी बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले आपको डीपी लगाना। आपका यहां पे कैमरा का आइकन दिखाई दे रहा है, ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अब आपके सामने ऑप्शन आई दे रहा है सेलेक्ट फ्रॉम पिक्चर, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अब आपको अपने मोबाइल में से डीपी लगा लेना है अपने फेसबुक अकाउंट पर, जो भी आप लगाना चाहते हो। आपको अपना मनपसंद डीपी सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना डीपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डीपी को सेलेक्ट कर दिया। आप अपने हिसाब से डीपी लगा सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको ऊपर सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे, आपकी फेसबुक पर डीपी लग जाएगी। देख सकते हैं आप, मेरा फेसबुक पर डीपी लग चुका है। इस तरीके से आप अपना मनपसंद डीपी लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कवर फोटो का ऑप्शन मिलेगा ऊपर की साइड में। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा, आप यहाँ पे कवर फोटो भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहे तो। सो दोस्तों इस तरीके से आप एक नई फेसबुक की आईडी बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।